घड़े का पानी क्यों ठंडा रहता? अब कुछ होशियार लोग क्या करते हैं, घड़ा को पागल कर देते हैं। वो क्या करता है सुना, इस घड़े में क्या होता है ध्यान से समझिए, और घड़े का पानी ठंडा, घड़ा घड़े में क्या होता है ध्यान से समझिए, घड़े के अंदर छोटे छोटे कैपिलरी यानी केशिकत होते हैं, जैसे हमारे चमड़े में छोटे छोटे छेद हैं जिससे पसीना बाहर आ जाता है, पसीना बाहर आ जाता, और जैसे पसीना उड़ेगा तो त्वचा ठंडा हो जाती है। घड़े में भी छोटा छोटा छेद है, घड़े का पानी बाहर आएगा, और जब यह पानी भाप बन के उड़ेगा तो भाप की खासियत पीछे की सारी उष्मा लेकर उड़ जाएगा, और घड़े का पानी ठंडा, घड़े का पानी ठंडा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब जो इसको कमर्शियल यूज करना है घड़े का, जैसे सत्तू पानी बेचना है, तो अब वो तो नेचुरल डिमांड पे तो रहेगा तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि घड़े से पानी धीरे धीरे रिस रिस के निकलेगा, धीरे धीरे ठंडा होगा, और उसका पर्सनल यूज नहीं है, दुकान है, कमर्शियल यूज है, लोग आ रहे हैं 10 गिलास 20 गिलास डेली निकल रहा है उसको, हर घंटे निकल रहा। अब वो क्या करेगा तो लाल गमछा बांध देता और उसको पानी बाहर भिगाता है, कह दो ले ससुरा तू, नहीं तुम अंदर से धीरे धीरे निकलना, हम बहरवे से भिगा देंगे यहाँ पर, और वो पानी भाप बनकर उड़ेगा और अंदर घड़े का पानी साफ। अब लाल ही यूज क्यों करते हैं, तो देखिए लाल रंग का तरंग दैर्ध्य ज्यादा होता है, दूर से दिख जाता है कि यहाँ लाल रंग का घैली है यानी सत्तू मिला, तो लाल रंग दूर से दिख जाता है, इसलिए खतरे का संकेत किससे बनाते हैं, लाल रंग से। इसलिए दुल्हन को कौन सा रंग पहनाते हैं, लाल। आगे 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 बढ़ते हैं, तुम लाल नहीं पहनती, पिंक, चलो कोई बात नहीं, तो जो पिंक है वो संकट नहीं है, पिंक कब से पहनने लगी सब्जी, तुम कौन सी गुसियारी है, ये सब गुसिया के देखती, आगे देख हाँ स्टेज भी लाल है तो यहाँ पे खतरा है, यहाँ पे ऐसे नहीं आ सकते हैं। एक लड़की डाउट पूछने के लिए ऊपर चढ़ गई थी, हम कहे हाँ ये पे बैठ के पूछो, आप इसी बैच की थी किसी, उधरिया से चढ़ गई थी आप, हम कहे ना ना आप बैठिए बैठिए यहाँ बैठ के पूछिए आप, हाँ हाँ बोलिए बोलिए, हम बोलते हैं आप माइको दे दे, देख रही यार इतना तो दिमाग हम लगाए ही नहीं। आगे बढ़े, अब समझिए ध्यान से, घड़े का पानी क्यों ठंडा रहता, भाप बन के उड़ेगा और हो जाएगा ठंडा, इसलिए देखिएगा गर्मी के दिन में छत पर सोने से पहले लोटा में पानी लेके छिड़का जाता। अब बाबा दादा से सुने होंगे ऐसे दहलाओ नहीं छीटा दे के मारो, सुने दहलाओ नहीं ऐसे पानी छीटा दे के मारो, ताकि जितना जल्दी छीटा दोगे पानी की बूंदे छोटी छोटी होंगी, भाप फटाफट बनेगा और फटाफट बनेगा तो उसमें धड़ाधड़ खींचेगा, और ऐसे लेके मारिएगा पानी बाल्टी से ऐसे नहला के नहला ऐसा पूरा, तो बाबा दादा से सुनिएगा मना करेंगे, ऐसे लोटा में कहेंगे आई लोटा लेकर ऐसे छीटा मारो, छीटा क्या मारो, ठंडा रहेगा, क्या रहेगा ठंडा, सब्जी उब्जी भी देखिएगा कैसे मारता है, क्या रहेगा ठंडा रहे, फिजिक्स हर जगह है कि नहीं यार, फिजिक्स क्या है हर जगह, किसी को दिक्कत तो वास्पन समझ में आ गया कि नहीं। अब कुछ होशियार लोग क्या करते हैं, घड़ा को पागल कर देते हैं, किसी किसी का घड़ा पागल हो जाता है, मेरा एक बार घड़ा पागल हो गया था, वो क्या करता है सुना, इसमें छोटी छोटी कैसी कैपिलरी है, अब उसमें हाथ डाल के और घड़ा माज देता है सब अंदर खूब अच्छा से, वो मच्छरदानी लेके नहीं हो गए, वो मच्छरदानी टाइप का रहता है माजने वाला, जूना बोलते हैं उसे, तुम तो मत बोल, उसे क्या बोलते हैं बर्तन, स्क्रब, स्क्रब, स्क्रबर, हाँ अरे वो होता है खुरदुरा, उसको लेके स्क्रबर मार देगा, ले घड़ा साफ हो जाएगा, अरे घड़ा साफ नहीं, अब घड़ा पागल हो जाएगा, रीजन क्या, अंदर की कैपिलरी बंद हो गई, अब अंदर से पानी बाहर आएगा नहीं, अब जब बाहर नहीं आएगा तो क्या पानी की बूंदे बाहर आएंगी, अब क्या ठंडा होगा, नहीं ठंडा होगा, अब कहेंगे कि घड़ा पागल हो गया है, घड़ा पागल नहीं हुआ है, हम अपने घड़ा को पागल कर दिए थे, ठंडा ही नहीं कर रहा था यहाँ पे, तो हमारा दोस्त घड़ा फोड़ दिया, कहा तुम्हारा घड़ा पागल है,
बाद में जब इसका जांच बैठाया गया आखिर कैसे पागल हो गया, तो 15-20 दिन बाद जांच की रिपोर्ट आई और उसमें पता चला कि घड़ा क्यों पागल हुआ था। जांच हम 3-4 आदमी मिलकर कर रहे थे लोग, उस समय हम लोग स्टूडेंट लाइफ में थे, बीएससी सेकेंड ईयर में। तो आदमी कहा कि घड़ा पागल हुआ कैसे, तो फिर कई अध्ययन हुआ, 3-4 घड़ा बर्बाद हुआ उस पर रिसर्च करके तब पता चला घड़ा पागल हो गया। अब एक बात बता, पानी बोतल देखे मऊ नॉर्मल वाला, हाँ यही वाला, नहीं वो वाला नहीं, अरे तुम लोग घिनौना पानी मत दिया कर, तुम लोग ये पानी बोतल है बाबू, ध्यान से समझिए। अब इस पानी बोतल में तो कोई कैपिलरी नहीं, ये तो बाहर आने से रहा, अब इसे थोड़ा ठंडा होगा नहीं, तब हम इसको जबरदस्ती ठंडा करेंगे, एक कपड़ा लपेट देंगे, क्या लपेट देंगे, कपड़ा, और कपड़वा भिगाएंगे, अब वो उड़ेगा, भाप तो उड़ेगा ना, भाप बन के उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा, और जब उड़ेगा तो बोतल के अंदर की ऊष्मा लेके उड़ जाएगा। तो अगर ये ऐसे ठंडा नहीं होगा तो इसको बोरा लपेटना पड़ेगा या कपड़ा लपेटना पड़ेगा, जूट का बोरा वगैरह लपेट दीजिए तो ठंडा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो ये भी ठंडा हो सकता है जबकि इसके पास नेचुरल कैपिलरी नहीं है, प्लास्टिक वाले बोतल में नेचुरल कैपिलरी कहाँ होता है, और जो स्टील वाला होता है महंगा CBSE वाला बोतलवा मिल्टन वाला, उसका तो हम कल रीजन समझा ही दिए थे, डबल लेयर बना देता है, विकिरण बना देता है ताकि चिकना हट होने की वजह से वापस चले जाए। बोतल साफ सुथरा है पक्का लड़की सबका होगा, हाँ बिल्कुल, साफ सफाई तो लड़की सब ज्यादा रखती है, सब लड़का सबके तुलना में नहीं है। अरे हम लोग अपनी स्टूडेंट लाइफ में ना 2-3 महीना पे जब दिमाग झमकता था तो कहता आज सफाई होगा यहाँ पे, अब 3-4 घंटा मार चमका के दर्द लेके बैठ जाए, अरे बाप पूरा दर्द उपट गए, अब पढ़ाई कल से करेंगे सोएंगे। और कॉपी इतना अच्छा सजाते थे लोग, फिजिक्स का इधर, केमिस्ट्री का इधर, हिस्ट्री का इधर, ज्योग्राफी का इधर, मार ऐसे कुर्सी यहाँ लगाएंगे, पढ़ेंगे यहाँ, टाइम टेबल ऐसे रहेगा, सुबह ये शाम में ये वो, और 2-3 दिन के अंदर फिर रद्द कर देते थे। हम तो अपने स्टूडेंट लाइफ में जब सोना रहता था ना तो देखते थे सोना किधर है, यहाँ पे तन तनी घसका के किताब कॉपी बोतल वोतल तन तनी घसका के, इतना में तो सूदिए जाएंगे उतने में सूझ जाता था। आगे बढ़े, लड़का सबको टाइम कहाँ मिलता है सफाई करने का, हाँ